Good morning, dear students, again. So we are going to read the book, The Radiant Way. And from this book, we will read the page number 11. Today, we will start our new lesson, Show. हमने बोर्ड पर बुक नेम और टॉपिक और सारा जो डिटेल्स है बोर्ड पर हमने मेंशन कर दिए. सो आज हम इसको रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ साउंड्स. द बुक नेम इज द रेडिएंट वे एंड द पेज नंबर इज 11 एंड द टॉपिक इज शो. शो मीन दिखाना, ठीक है. एस एच श और डब्ल्यू ओ शो. एन हैज अ फैन. एन ए डबल एन एन हैज एच ए एस एच ह ए एस एस हैज ए एफ ए एन फैन. एन हैज अ फैन. एन के पास फैन है. शो द फैन टू मदर एन. शो द फैन टू मदर एन. अब जो है एन जो होती है वो अपनी मामा को वो अपना फैन दिखाती है. एस एच एस एच श और डब्ल्यू ओ शो टी एच ई द एफ ए एन फैन टी ओ टू एम ओ मोर टी एच ई आर दर मदर एन. शो द फैन टू मदर एन. एन रैन टू शो द फैन टू मदर. ठीक है. अब जो एन है वो अपनी मामा को फैन दिखाने जाती है. अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे मैं आपको साउंड से बताती हूँ. ए ए डबल एन एन आर ए एन रैन र एन टी ओ टू एस एच श और डब्ल्यू ओ शो टी एच ई द F A N fan T O two M O T H E R mother and rain to show the fan to mother. Okay, and गई अपनी मामा को वो फैन दिखाने. अब next है pat. Pat जो एन का brother है उसका भाई है. P A T pat H A D head H H A D at head N O T not a cap. Pat के पास cap नहीं है, ठीक है. अब जो एन है एन रेन टू मदर. एन रेन टू मदर. एन जो है मामा के पास भाग कर गई. रेन का मीनिंग है भाग कर जाना, ठीक है. फोर एफ ओ आर फोर अ ए सी ए पी कैप फॉर पैट. एन जो है वो मामा के पास गई है पैट के लिए कैप लेने के लिए, ठीक है. आप सब ने इस सारे लेसन को अच्छे से ड्रिल करना है घर में और बहुत मज़े से रीड करना है बिकॉज मुझे ये पॉइंट बहुत पसंद है. ये बुक भी बहुत पसंद है. आई होप यू आर एन्जॉइंग माई लेसन. थैंक यू.